और ऐसे अचानक आके तोड़ रहे हैं। ये लॉकडाउन में हम लोग किस हालत से गुजरे हैं, सबको खाने को नहीं था, कुछ नहीं था, तभी रेलवे ने तो आके हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो अचानक तोड़ रहे हैं, इस वजह से अभी लोग कहाँ जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नाला सुपारा से सामने आ रही है, जहां पर रेलवे द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर तोड़क कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई नाला सुपारा पश्चिम के नीले मोरे में स्थित रेलवे की जमीन पर की गई है, जहां पर अवैध तौर से बनी हुई चालियों में लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। हालांकि इस तोड़क कार्रवाई के 7 से 10 दिनों पहले ही रेलवे ने नोटिस जारी करके रेलवे की जगह को खाली करने व 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को होने वाली तोड़क कार्रवाई की जानकारी वहां के स्थानिकों को दे दी थी। परंतु वहां के रहवासियों का ये कहना था कि रेलवे अपनी जमीन ले, उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों का वक्त और दिया जाए ताकि वह उचित स्थान पर जा सकें। इतना ही नहीं, वहां के नागरिकों का यह भी कहना था कि उनके बच्चों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा समय और दिया जाए। परंतु रेलवे ने इस बात पर ध्यान ना देकर बच्चों के भविष्य को नजरअंदाज करके आज ही तोड़क कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी वहां तैनात रहा, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या यह तोड़क कार्रवाई कुछ दिनों बाद नहीं की जा सकती थी। रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली से तो सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, परंतु इस तरीके की कार्रवाई कहीं न कहीं अब रेलवे विभाग पर कई सारे सवालिया निशान खड़ा करती है। आइए देखिए इस मामले में पूर्व नगर सेवक किशोर पाटिल व वहाँ के स्थानिकों ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। आज यहाँ पे नीले गांव में जहाँ पे रेलवे की लैंड है नाला सुपारा बस में, वो एक्चुअली ब्रिटिशकालीन क्वेरी थी, जो ट्रैक के लिए लैंड यूज किए थे। इधर 40-40 साल से लोग, आज जब साहब आए तभी हम लोग साहब को रिक्वेस्ट किया कि ऑलरेडी केस चालू है उनका। वो केस में जिनका नाम था साहब मान गए कि उन लोग को हम लोग दुखा दे, लेकिन जो नहीं है तो जिन्होंने जो जानकार नहीं है उन्होंने केस में नाम नहीं दिया, तो आज उनके भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो भी उनके भी घर में आज रमज़ान चालू। तो हम लोग ने रिक्वेस्ट वही की थी कि वो खुद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनको थोड़ा टाइम दें। और जो आप कोर्ट का ऑर्डर बता रहे हैं, वो ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि कलेक्टर साहब ने पूरा सर्वे करना चाहिए, जो अफेक्टेड लोग हैं जिनके घर जा रहे हैं उनके सर्वे करके उनको रिहेबिलिटेशन का जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसी ऑर्डर में, और उनको 2000 महीना ऐसे 3-4 और जो दिए हुए हैं वो भी फॉलो होना चाहिए, सिर्फ तोड़ के उन लोगों को रास्ते पे खोलना नहीं चाहिए। तो यही हम लोग आपके चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को कि वो जो ऑर्डर में दूसरा भी जो लोगों के लिए जो बेनिफिट देने को बोला है वो भी मिलना चाहिए, रेलवे ने उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये अचानक इन्होंने नोटिस भेजे ऐसा तोड़े, एक तो देखो बच्चों का एग्ज़ाम चालू है, छोटे बच्चों सबका फाइनल एग्ज़ाम चालू है, और ऐसे अचानक आके तोड़ रहे हैं। ये लॉकडाउन में हम लोग किस हालत से गुजरे हैं, सबको खाने को नहीं था, कुछ नहीं था, तभी रेलवे ने तो आके हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो अचानक तोड़ रहे हैं, इस वजह से अभी लोग कहाँ जाएंगे। सबके पास में तो पैसा है नहीं कि लोग जाके अपना लेंगे, किधर ये करेंगे। तो यहाँ से जो ऐसी नाइंसाफी कर रही है रेलवे, तो कुछ ना कुछ दे के करे ना। अभी जो कर रही है लोगों को तोड़ के देखो निकाले हैं, ये गलत है ना। सबको घर मिलना चाहिए, जो भी है कुछ मिलना चाहिए, हमारे पास में सब डॉक्यूमेंट्स है, सब है, तो आधे से ज़्यादा लोगों का तोड़ रहे हैं, तो अभी वो लोग कहाँ जाएंगे। क्या मांग है अभी आपका? हमारी मांग है अभी तोड़ने का बोले है तो रेलवे की जगह रेलवे ले लो, लेकिन उसके बदले में हमको घर दो, जो भी है हमारी हेल्प करो। कितने साल से रह रहे हो? हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से, हमारी पैदाइश यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ हुए, बच्चे बड़े हो गए, हमारी यहाँ एक ही मांग है कि हमको कुछ दो करके। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।